दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे किचन में यूज़ होने वाली एक ऐसी छोटी सी औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसके इतने बड़े बड़े आयुर्वेदिक गुण हैं जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते हैं, और यही कारण है कि हम इसके फ़ायदों से वंचित हैं अभी तक। लेकिन आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसका सेवन करें ताकि आपको इसका अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तिल की। दोस्तों, सफ़ेद तिल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। यह हम सभी के किचन में होता है। आयुर्वेद में तिल को एक बहुत ही उच्च कोटि की औषधि मानी जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, गुणकारी, फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम ऐसे बहुत सारे एसेंशियल गुण होते हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने में, दांतों को मजबूत करने में, खून की कमी की पूर्ति में, ऐसे बहुत सारे रोगों में तिल का सेवन करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। दोस्तों, चूंकि तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है और हड्डियों की उचित देखभाल करता है, और हमारी हड्डियों को लंबे समय तक सस्टेन करने में तिल बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। साथ ही तिल के तेल को बालों में लगाने से बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, बाल लंबे समय तक स्वस्थ होते हैं, बालों की तने मजबूत होती हैं जिससे बाल झड़ते नहीं हैं और लंबे समय तक काले भी रहते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च से पता चला है कि सफ़ेद तिल में सेस्मिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि कैंसर की कोशिकाओं को ख़त्म करता है और हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाता है। साथ ही दोस्तों, पेट के कैंसर, ल्यूकेमिया के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आदि, इन सभी कैंसरों में सफ़ेद तिल का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। साथ ही सफ़ेद तिल में जिंक और सेलेनियम आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं जो कि दिल की मांसपेशियों को एक्टिव और मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में सफ़ेद तिल बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। नसों से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। हृदय को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सफ़ेद तिल बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। साथ ही तिल में डाइट्री प्रोटीन और अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने में, उनकी विकास में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सफ़ेद तिल। तिल का तेल त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। इसकी मदद से त्वचा को ज़रूरी पोषण मिलता है और हमेशा त्वचा में नमी बरकरार रहती है। साथ ही मुंह में छाले होने पर तिल के तेल में सेंधा नमक मिला करके लगाने से छाले बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। साथ ही दांतों के लिए तिल बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। सुबह शाम ब्रश करने के बाद तिल को चबाने से दांत मजबूत होते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि तिल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। इसके बहुत सारे अन्य फ़ायदे भी हैं। आई होप कि आप भी तिल के इतने सारे फ़ायदों के बारे में जानने के बाद अपने डाइट में तिल को ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, रोज़ाना सुबह या फिर शाम को आपको दिन में कभी भी एक चम्मच तिल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप तिल का सेवन करें ताकि आपको इसका अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। दोस्तों, आप अपने दिन के किसी भी समय आधे चम्मच तिल का सेवन ज़रूर करा करिए। इसका सेवन किसी भी तरीके से किया जाए, ये हर तरीके से हमारे शरीर को लाभ पहुँचाती है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही चैनल को योगदान करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आने वाले भविष्य में हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहें। हम मिलते हैं आपसे इस तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तिल एंटी कैंसरस गुण रखता है जो कि कैंसर की कोशिकाओं को ख़त्म करता है।